मुरादाबाद शहर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली रोड स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में नाइट क्रिकेट अकादमी का भव्य शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के मित्र और रणजी प्लेयर और बीसीसीआई के कमेंट्रेटर सत्यप्रकाश तिवारी और राजस्थान रॉयल एकेडमी कोच राइफी विसेंट कोम्स के साथ पूर्व रणजी ट्रॉफी प्लेयर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के सेक्रेटरी विजय गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटा गया और अकेडमी का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ क्रिकेटर, समाजसेवी, शिक्षाविद और शहर के बुद्धिजीवी मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को अकादमी के शुभारंभ के अवसर पर सम्मानित किया गया। मुरादाबाद शहर के वरिष्ठ क्रिकेटर को भी स्मृति चिन्ह देकर यह अपेक्षा की गई कि वह हमेशा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। अकेडमी के संचालक मिर्जा दानिश आलम ने बताया कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल में क्रिकेट अकेडमी कई वर्षों से संचालित की जा रही है। अकेडमी बेहतर सुविधाओं के साथ रात में भी संचालित होगी, जहां बच्चे क्रिकेट के अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, नया सीखेंगे और यहां पर बच्चों की रात्रि में होने वाले नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट की बारीकियां भी सिखाई जाएंगी। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने कहा कि मुरादाबाद जनपद क्रिकेट के खेल में आगे बढ़ रहा है। मुरादाबाद जिले से पीयूष चावला, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, शिवम शर्मा, शिव सिंह जैसे खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। मॉडर्न पब्लिक स्कूल अकेडमी जो रात्रि में भी संचालित होगी, ये मुरादाबाद शहर के लिए अच्छी बात है। बच्चों को बेहतर सुविधाओं के साथ क्रिकेट की सभी बारीकियां सिखाई जाएंगी। सबसे पहले मैं MPS क्रिकेट एकेडमी दानिश मिर्जा और मॉडर्न स्कूल को बधाई देता हूं, साथ साथ पूरे मुरादाबाद को भी बधाई देता हूं कि इतना अच्छा क्रिकेट एकेडमी जिसमें कि रात में प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉडर्न स्कूल के साथ मॉडर्न क्रिकेट एकेडमी, ये सबसे खुशी की बात है। और यहाँ के जितने भी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों को मैं जानता हूँ जो कोलकाता में खेलते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक धोनी जैसा खिलाड़ी निकलेगा और कई ऐसे यूपी के आसपास के खिलाड़ी हैं, जैसे भूपेंद्र हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, मोहम्मद शमी हैं, ऐसे और भी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जिनको इस एकेडमी से मदद मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि यहाँ से भी ऐसे खिलाड़ी निकले और आगे बढ़ें और मॉडर्न क्रिकेट से भी निकल करके, मॉडर्न क्रिकेट स्कूल से, MPS क्रिकेट एकेडमी से निकल करके आगे खिलाड़ी आएँ, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सर, महेंद्र सिंह धोनी के साथ आपने बहुत समय बिताया है, क्रिकेट की सारी बारीकियाँ सीखी हैं, सिखाई हैं, कितनी अब कहाँ कमी महसूस करते हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है? मेरे में नहीं, अब क्रिकेट में कहाँ कमियाँ हैं? आज के डेट में क्रिकेट में अगर कोचिंग की बात की जाए तो देर इज़ नो रॉन्ग एंड राइट इन क्रिकेट बोलते हैं। अगर आप एक सूर्य कुमार बल्लेबाज है, अगर उनकी बल्लेबाजी की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य जब बल्लेबाजी करने आए तो कप्तान को फील्डिंग नहीं सेट करना चाहिए, सूर्य से ही पूछ लेना चाहिए कि कहाँ फील्डिंग लगाना है। तो अब ये कोई नहीं कह सकता है कि ये खराब है ये अच्छा है, जो रन बनाएगा, बल्लेबाज का काम है रन बनाना, बॉलर का काम है विकेट लेना। एंड ऑफ द डे हम लोग एक कंपटीशन होता है, जो मैच जीतता है वही सिकंदर होता है। तो बदलाव की ज़रूरत है, इस तरह की बदलाव की ज़रूरत है। जैसे दानिश मिर्जा ने कहा कि मैं जब फर्स्ट टाइम फ्लड लाइट में खेलने के लिए गया तो मेरा अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था खेलने का, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आज ये बना है मॉडर्न क्रिकेट एकेडमी जो बना है उससे बहुत सारे खिलाड़ियों को मदद मिलेगा जो कि नाइट में प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं और अपना हुनर दिखा सकते हैं, देश के लिए खेल सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा युवाओं को? महेंद्र सिंह धोनी एक ही है, महेंद्र सिंह धोनी ने, मैं तो बोलूँगा कि यहाँ के बच्चे उससे भी आगे निकले।
धोनी तो धोनी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर बात की जाए तो वो थोड़ा हट करके है। अगर बात करें तो मैं धोनी का दोस्त भी ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं धोनी को जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने उसको दो दिल दिमाग दिया है। एक हमारे साथ वो लाइव मोमेंट सब शेयर करता था, और दूसरा जो दिल दिमाग था वो जो खिचड़ी पकाया, वो कॉन्क्रीट किया, इतना शिखर तक पहुँचा। तो कोई नहीं बोल सकता कि मैं धोनी को जानता हूँ, कोई ये नहीं बोल सकता है कि धोनी जैसा मैं बन सकता हूँ। जो उसका दो दिल दिमाग है, सारे दुनिया के दिल दिमाग को पढ़ लेता है, लेकिन उसके दिल दिमाग को कोई नहीं पढ़ पाता है। तो इसलिए महेंद्र सिंह धोनी का कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। उसका कंपेयर ना करें तो अच्छा ही होगा। सबका अलग अलग अपना इंडिविजुअलिटी होता है, और हर खिलाड़ी अपने आप में यूनिक है। हर खिलाड़ी के पास वो क्षमता है आगे बढ़ने का, बस हमको जगाना है अपने आप को। मैं एक ट्रेनर भी हूँ। अगर बात किया जाए तो बहुत लोगों को बोलता हूँ कि फिटनेस के बात करके, हर व्यक्ति फिट है। अगर कोई जानवर दौड़ाता है तो फटाक से दौड़ के चले जाते हैं। तो हर कोई के अंदर वो फिटनेस है, सब कुछ है, काबिलियत है, बस अपने आप को निखारना है। और ऐसा क्रिकेट एकेडमी दानिश मिर्जा का जो बना है, यहाँ से मुझे लगता है कि निखर के आएंगे खिलाड़ी और जरूर इंडिया के लिए खेलेंगे। ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है, वेरी गुड फैसिलिटी, आई रियली लाइक द फैसिलिटी। एंड दानिश मिर्जा एमपीएस एकेडमी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बहुत अच्छा फैसिलिटी है, बिकॉज नाउडेज फैसिलिटी इज व्हाट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द यंगस्टर्स टू ग्रो ऑन देयर स्किल्स। एंड आई एम श्योर देयर विल बी गुड कोचेस, मेंटर्स, ट्रेनर्स, दे विल बी हियर सून, एंड इट्स गोइंग टू बी अ रियल गुड फैसिलिटी एंड अ गुड जर्नी फॉर ऑल द यंग जनरेशन एस्पायरिंग क्रिकेटर्स टू कम ओवर हियर एंड ऑन देयर स्किल्स। एंड बेस्ट विशेस टू एमपीएस क्रिकेट एकेडमी। इस अवसर पर मुख्य रूप से क्रिकेट कोच मोहम्मद मोबीन मलिक, मोहम्मद नासिर, अजीत सिंह, प्रदीप टंडन, आमिर सिद्दीकी, गुलजार, पवन चौधरी, वाजिद, निजाम अली आदि लोग मौजूद रहे। What?